और दोस्तों कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां प्राची घर छोड़कर निकल जाएगी और घर छोड़कर जाने के बाद में घर में एक नया तूफान और आएगा जो कि रणबीर जो कि घर में एक नया तमाशा क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। वो बोलता हुआ नजर आएगा पल्लवी को यानी कि अपनी मॉम को और रिया के सामने सभी को ये बोलता हुआ नजर आएगा कि अगर इस घर में प्राची नहीं रह सकती और प्राची का सम्मान नहीं हो सकता तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अपकमिंग एपिसोड में वाकई में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से प्राची की यादों में रणबीर जो कि अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा क्योंकि एक बार फिर से रणबीर कोशिश करेगा कि प्राची को और पास ढूंढने के लिए। लेकिन दोस्तों कहानी में जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि एक बार फिर से नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा क्योंकि रणबीर ढूंढता प्राची के पास तक पहुंच जाएगा और प्राची के पास पहुंचने के बाद में रणबीर बोलता हुआ नजर आएगा कि अगर प्राची इस घर में नहीं रहेगी तो मेरा इस घर में रहने का क्या काम है। और वो प्राची से बोलेगा कि प्राची अगर तुम नहीं जाने वाली मेरे साथ में तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि रणबीर जानता है प्राची प्रेग्नेंट है और वो किसी भी हालत में प्राची को अकेला नहीं छोड़ सकता। उसने पहले ही बोल दिया था कि जहां जहां प्राची रहेगी मैं प्राची के हमेशा साथ रहने वाला हूं। और अपकमिंग एपिसोड में सो वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा जब प्राची को वो पूरे कन्वेंस करेगा और बोलता हुआ नजर आएगा कि प्राची मुझे खाली जिंदगी में लास्ट टाइम मुझ पर भरोसा करो मैं तुम्हें सब कुछ दिला दूंगा। और दोस्तों जल्दी ही देखने को मिलेगा कि किस तरीका से प्राची और रणबीर की फिर से बॉन्डिंग को देखते हुए रिया को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। रिया सोच रही है कि इन दोनों के बीच में आखिरकार किसी भी तरीका से बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए, अगर इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा क्योंकि दोस्तों रिया कभी नहीं चाहेगी कि किसी भी तरीका से रणबीर और प्राची के बीच में बॉन्डिंग देखने को मिले क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि रिया हमेशा से ही प्राची को इस घर से निकालने के लिए उसने बहुत बहुत साजिशें रची हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।